राइट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। तो ग्रुप 16 जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं उसके हाइड्राइड कौन से होते हैं, होते हैं ना हाइड्राइड उसके, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है डाउन द ग्रुप, तो बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाता है। तो डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ ऑफ ग्रुप 16 हाइड्राइड्स इंक्रीजेस, हेंस बॉन्ड डिसोसिएशन इनथैल्पी डिक्रीजेस। जितनी बॉन्ड डिसोसिएशन इनथैल्पी कम होगी उतनी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, तो डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है, फिर क्या इसका रीजन बताना कि H2O लिक्विड, H2S गैस है, क्यों H2O लिक्विड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है, जब हाइड्रोजन किसके साथ कनेक्टेड हो, ऑक्सीजन के साथ, क्लोरीन के साथ या नाइट्रोजन के साथ। जब हाइड्रोजन इन तीनों में से किसी के साथ भी कनेक्टेड होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, सिंपल डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा, तो इसलिए इसमें ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स है तो ये लिक्विड है, ये गैस। देर इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर विच इज स्ट्रॉन्ग इनफ सच दैट H2O इज अ लिक्विड। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन H2S इज वीक, ये डाइपोल डाइपोल आएगा, H2S ना डाइपोल डाइपोल आएगा, वंडरवॉल तो होता ही होता है, वंडरवॉल तो हो ही होगा, उसमें भी डाइपोल डाइपोल आएगा, ठीक है ना। पोलर तो है ही ना ये बात समझ में आती है ना, दिस इज पोलर, तो डाइपोल डाइपोल तो होगा ही। लेकिन वाटर में क्या है, वाटर में भी डाइपोल डाइपोल ही होता है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव डाइपोल डाइपोल ही होगा, लेकिन इस डाइपोल डाइपोल का स्पेशल नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज ऑल्सो टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है ना, क्लियर है बात। नेक्स्ट, H2S इज लेस एसिडिक दैन H2TeY। तो देखो डाउन द ग्रुप एसिडिक फैक्टर बढ़ता है ना इनका, ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स का, क्योंकि डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है तो एच प्लस को निकालना आसान हो जाता है, इसलिए डाउन द ग्रुप एसिडिक फैक्टर बढ़ता है, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक है। फॉर ग्रुप 16 एलिमेंट हाइड्राइड्स डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, हेंस बॉन्ड डिसोसिएशन इनथैल्पी डिक्रीजेस। तो एच प्लस की डिसोसिएशन आसान हो जाती है, इसलिए डाउन द ग्रुप एसिडिक फैक्टर बढ़ जाता है।